काफ़ी खुशी की बात है कि जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स की सपोर्ट है, एक बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और यू बोल सकते हैं कि डिजिटल स्ट्राइक का एक इतिहास बनने जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में एसएससी, रेलवे, इन स्टूडेंट्स की जो बेरोजगारी का एक आलम बना हुआ है, सरकार जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, सिस्टम है, सिस्टम में सब कुछ शामिल है, इंक्लूडिंग जो जुडिशरी है या फिर मीडिया है या पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन पार्टी भी है। यहाँ पे सबसे पहले अपोजिशन पार्टी को भी ब्लेम हम करना चाहेंगे, क्योंकि अपोजिशन के पास में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अगर वो ज़ोर शोर से उठाते हैं, मीडिया उनकी बात ज़्यादा सुनेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अकेले छोड़ दिया गया है। बेरोजगार स्टूडेंट्स और आमतौर पर जो एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं, स्पेशली रेलवे की जो तैयारी करते हैं, 2.5 करोड़ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, और वो कोई बहुत बड़े घरों से नहीं आते, और शायद यही कारण है कि उनका कोई मुद्दों को उठाया भी नहीं जाता। लेकिन ये 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने और एसएससी के स्टूडेंट्स ने, 30-40 लाख एसएससी के स्टूडेंट्स ने ये प्रण लिया कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। बहुत सारे सीनियर फैकल्टी हैं, उन्होंने आकर उनको सपोर्ट किया, उन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छी बात है। और यही कारण है कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे दुनिया भर के जो भारत की तरफ देखते हैं, वो इस रूप में देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। भारत की सरकार है, भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स के फॉर्म भरवाए गए 2 साल पहले, उनके फॉर्म की, उनके एग्जाम की कोई चर्चा नहीं है। इलेक्शन से पहले उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया, उनको वादा कर दिया गया कि अब आपको करोड़ों नौकरियां मिलने वाली है, भारत अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? बेरोजगारी एक मुद्दा ही नहीं है, जबकि करोड़ों की संख्या में जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे उनकी नौकरियां गई है। और जो सरकारी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेलवे की, एसएससी की और बाकी जो दूसरे यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, जो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम होते हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी और सिस्टम का मुद्दा बना हुआ है। हालांकि जब सरकार में कोई पॉलिटिकल पार्टियों के क्वेश्चन उसी के ऊपर होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी आज के टाइम में सरकार में है और जो सरकार के मुखिया हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो युवा है इतना आक्रोश में है, इतना ज़्यादा भयभीत है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी बात को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये युवा है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात ठीक है उनकी, कुछ उल्टा भी कर सकते हैं, कुछ सीधा भी कर सकते हैं। उल्टा का यहाँ पे मतलब यह है कि सरकार को हिला सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं सबसे पहले, और इसका असर दिखना चाहिए वहाँ पे। सभी जो टीचर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, वो इकट्ठा होकर सरकार को जगाए, और हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई आरजेडी हो, कोई जेडीयू, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जहाँ पे यूट्यूब पे उनको मौका मिलता है, जैसे अभी संडे को प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम में नीट है, जेई है, एसएससी, रेलवे, सभी स्टूडेंट्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि वो सिस्टम से खुश नहीं है, वो सरकार की नीतियाँ हैं, दमनकारी नीतियाँ हैं, एक तरफा नीतियाँ हैं, एक के लिए कोरोना है, दूसरे लिए कोरोना नहीं है, सरकार को जो सूट करता है उसमें कोरोना आ जाता है। और उधर से क्या है कि जो बेरोजगारी, जहाँ पे कि सरकार ने लॉकडाउन किया था, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अब जो एग्ज़ाम 2 साल से रुके हुए थे वो उसको इमीडिएटली एग्ज़ाम करवाए, वैकेंसी क्रिएट करे, क्योंकि सरकार जब वैकेंसी क्रिएट करती है बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। ऐसा नहीं है कि 10,000 वैकेंसी है सरकार की या 20,000 वैकेंसी है, इसके पीछे लाखों, कोई टीचर का काम कर रहा है, कोई प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहा है, कोई डेवलपर का काम कर रहा है, कोई कंटेंट डेवलपमेंट का काम कर रहा है, कोई किताबें छापने का काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है,
मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। ये सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सिर्फ सरकारी जॉब का सवाल यहाँ पे नहीं है, सरकारी जॉब के साथ में प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर सरकार एक अच्छी खासी वैकेंसी क्रिएट करती है, सरकारी वैकेंसियाँ, उसके साथ में लाखों प्राइवेट सेक्टर की भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन सरकार ने एक मनमाने ढंग से इसको एक चुनावी टूल बनाया हुआ है। इनफैक्ट सरकार ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया हुआ है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जब भी सरकार बनाती है उस टाइम में वो घोषणा करते हैं कि हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, इतने लोग, इतनी वैकेंसी आएगी, एग्जाम टाइम पे कराएंगे। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आ जाते हैं उनको जगाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि अब युवा सही टाइम पे जाग गया है, और इस चीज़ को अभी जो मोमेंटम बना हुआ है मुझे लगता है इसको कैरी ऑन करना चाहिए, और अगले एक हफ्ते तक या जब तक कि सरकार कोई एक करेक्टिव मेजर्स न ले, एग्जिस्टिंग सिस्टम में करेक्टिव मेजर्स न ले, सीटी है उसका एक झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, इसका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अभी वैकेंसी है उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, और वो जो नया सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है उसमें बहुत सारी खामियां, 5 करोड़ 6 करोड़ लोगों के वो एग्ज़ाम लेने के सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम है वही इतना ज़्यादा फंबल है, उसी को करेक्ट करते हुए जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ RRB NTPC ग्रुप डी ALP की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, यहाँ तक कि मैं बताऊँ SSC CGL में 2017 के स्टूडेंट्स की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 2020 आ गया और 21 आने वाला है, 2018 के Tier 3 के रिजल्ट नहीं आए हैं, अभी नोटिफिकेशन आया है SSC का कि अब रिजल्ट अक्टूबर में करेंगे, नवंबर में करेंगे रिजल्ट, MTS का महीने के आखिर में करेंगे अक्टूबर में, लेकिन 10 महीने तक आप Tier 3 का रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, MTS का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। जबकि बोला ये गया था कि अब 6 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर पूरा का पूरा SSC का सिस्टम नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी, सरकार का ये बोल रहा था जब ये इंटरव्यू ख़त्म किया गया था उस टाइम में। लेकिन इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद अब 4 स्टेप में SSC CGL का एग्ज़ाम होने लगा है, और एक एक साल या 6-6 महीने एक एक स्टेप लिया जा रहा है, इतने टायर्स की आवश्यकता नहीं है, या तो टायर रिड्यूस किया जाए या सिस्टम को तेज़ किया जाए, 3-4 टायर इकट्ठे ले लिए जाए ताकि युवाओं का समय बर्बाद ना हो, देश की एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में जाए, और सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस पे विचार करें कि जो युवा की शक्ति है, जो रिसोर्सेज है भारत के पास में युवाओं का, वो सही दिशा में जाए और उसकी शक्ति का इस्तेमाल भारत के डेवलपमेंट में हो, न कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करता रहे। अब एक लड़की का आज ईमेल आया कि 2017 का Tier 4 में एक टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है जिस CPT और DST बोलते हैं, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है तो मैं SSC CGL के लिए बता दूं, उसका आखिरी पैराग्राफ में काफ़ी गलतियां होगी जबकि पहले गलतियां नहीं है, जिसकी वजह से कि वो लड़की बाहर हो गई एग्ज़ाम से। अब सोचिए कोई 3 साल तक तैयारी करे और उसके बाद ये पूरी उम्मीद हो कि उसको हाँ मेरा Tier 1 बहुत अच्छा हुआ, Tier 2 अच्छा हुआ, अब कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी, और वो आखिर में सिर्फ कीबोर्ड की वजह से या प्रेशर की वजह से अगर कोई एक पैराग्राफ में ठीक नहीं कर पाया और पूरे सिस्टम से बाहर हो जाए और उसके बाद फिर 3 साल वेट करे, तो इतना 3 और 3-6 साल वेट करने का टाइम अगर हम युवाओं पे इस तरह से लगाएंगे तो भारत किस दिशा में जाएगा। अपोजिशन पार्टी है, इसको स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मुद्दा बनाए, जो युवा शक्ति है, स्टूडेंट्स जो एकता है, वो अब बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं उस पर अपना पूरा प्रभाव दिखाए, सभी पार्टियों को मजबूर करे कि वो ये हिंदू मुस्लिम डिबेट, पाकिस्तान चाइना, ये रिया चक्रवर्ती पता नहीं कौन सी चक्रवर्ती, ये फालतू के झमेले में न पड़े और जनता को इधर उधर की बजाय वो रोज़गार पे, इकोनॉमिक्स पे, उस पर बात करे, उनके लिए मजबूर करे। और ये अभी मोमेंटम बना हुआ है, ऐसा स्टूडेंट कर सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो शायद बिहार है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बिहार के जनता जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, 15 करोड़ 16 करोड़ हो सकता है आबादी हो, लेकिन बहुत सारे लाखों की संख्या में वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या प्राइवेट जॉब की तैयारी करते हैं लेकिन बेरोजगार हैं, या वो सेटिस्फाई नहीं है, अंडर एम्प्लॉयड है, तो वो पूरा मुद्दा बनाए इस बेरोजगारी को, पॉलिटिकल प्रोसेस ही, पॉलिटिकल पार्टी के जरिए ही सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है।
अपोजिशन की उतनी भूमिका होती है जितनी की सरकार की भूमिका होती है। अगर अपोजिशन स्ट्रांग होता है, अपोजिशन प्रेशर डालता है, अपोजिशन मुद्दे उठाता है पार्लियामेंट में, अपोजिशन है वो न्यूज चैनलों को डिबेट के लिए मजबूर करता है, तो वो न्यूज चैनल भी उसी के अनुसार मुद्दा उठाएंगे। वरना आज के टाइम में हो क्या रहा है, जैसा सरकार चाहती है वैसे ही जुडिशरी से फैसले आते हैं, जैसा सरकार चाहती है वैसे ही न्यूज चैनल प्रोग्राम करते हैं जो सरकार को फेवर करे। सरकार को, लोगों को ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि सरकार ही देश है, अगर सरकार की आलोचना कर दी तो इसका मतलब देश की आलोचना कर दी, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जुडिशरी है वो जो लोगों के अधिकार है, उस अधिकार और जो सत्ता होती है उनके बीच में एक संतुलन का काम करते हैं, इनफैक्ट लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा करवाता है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, जुडिशरी है बिल्कुल ऐसा घुटने टेके हुए है, मीडिया तो बिल्कुल भी ऐसे है कि जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और जो बड़े न्यूज़ चैनल है, मैं छोटे चैनल की बात नहीं कर रहा, बड़े न्यूज़ चैनल है, आर भारत है, आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, उनको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन पे करना चाहिए, लगातार मुद्दे उठाने चाहिए ताकि गवर्नमेंट के सिस्टम को सुधारा जा सके। और स्टूडेंट चाहें तो लगातार इस पे आंदोलन करेंगे तो सरकार मजबूर होगी, मीडिया भी मजबूर होगा, पॉलिटिकल पार्टी भी मजबूर होगी। यहाँ पे सीधा निशाना पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन वाली पार्टियों को भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या है कि सरकार कोई आती है वो कमेंट कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ये काम तो स्टूडेंट भी कर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी में होने का फ़ायदा क्या हुआ, इतने देश में पॉलिटिकल पार्टी है। प्रॉब्लम ये भी है ना, जहाँ पे विपक्ष में वो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे भी तो राज्यों में प्रॉपर ढंग से एग्जाम नहीं हो रहे, लेकिन वो ऐसा कर सकती है कि वो अपना सिस्टम लाए, लोगों को बताए कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम ये प्रोग्राम देंगे, स्टूडेंट्स को ये देंगे, तो जो सरकार है वो जागेगी फिर, और मीडिया भी उस पर ध्यान देगा कि देखो ये वो ला रहे हैं, आप क्या कर रहे हो बताओ। तो इस तरह का सिस्टम है वो स्टूडेंट्स है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लगातार एक्टिव करें। हम सारे टीचर कम्युनिटी है, पिनेकल की टीम आपके साथ में, जब ये सीटी का अनाउंसमेंट किया था अभी कुछ दिन पहले सरकार ने, बहुत सारे टीवी चैनल है या यहाँ तक यूट्यूब चैनल बड़ी सरकार की तारीफ की थी, मैंने उसमें भी बताया था कि ये कोई सिस्टम कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा, और एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे अगर आपने चैलेंजेस रिमूव नहीं किए, हटाए नहीं चैलेंज, तो नया सिस्टम भी कुछ करने वाला नहीं है। और ये भी एक किस्म से जूझना है लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि सरकार को पता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई ना कोई ऐसा लंबा चौड़ा वहाँ यहाँ पे जुमला फेंक दिया जाए कि जिसमें वो रुझ कर रह जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब स्टूडेंट शक्ति है, छात्र एकता जिसको हम बोलते हैं कॉलेज लाइफ में, और आज के टाइम में छात्र एकता बहुत कुछ कर सकती है, युवाओं में बहुत शक्ति है सरकार को बदलने का, सरकार को मोल्ड करने का, सरकार को अपनी इच्छा के अनुसार काम कराने का, पॉलिटिकल पार्टी को अपने मुद्दे उठाने के लिए मजबूर करने का, न्यूज़ चैनलों को मजबूर करने का। एक बहुत स्ट्रॉन्ग आंदोलन अभी ये चल रहा है, इस आंदोलन में हर स्टूडेंट है बढ़ चढ़ कर भाग ले, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, वो वीडियो को शेयर करे, टीचर्स के वीडियो को शेयर करे, जो स्टूडेंट्स बनाते हैं उनके वीडियो को शेयर करे, और अभी यूनिटी बनाए रखे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें यूनिटी बनाए रखना है। कई बार क्या होता है कि जो यूट्यूब चैनल है, टीचर्स आमतौर पे क्या होते हैं, व्यू के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो फिर क्या है कि इधर उधर आंदोलन से भटकने का रास्ता तैयार कर लेते हैं, फिर तो ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में पड़ने की बजाय स्टूडेंट्स का जो आंदोलन है उसको एक सही डायरेक्शन मिलती रहे, स्टूडेंट की जो क्षमता है वो आगे बढ़ती रहे, ये हमें करने की आवश्यकता है। पिनेकल की टीम आप सभी स्टूडेंट के साथ में, सभी टीचर्स के साथ में आप लगे रहिए जब तक कि सफलता न मिले। जय हिंद, जय भारत।